इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर बोला हमला। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बेरोजगारी पर प्रहार करते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है। आने वाले 18 महीनों में केंद्र 10 लाख नौकरियों में उम्मीदवारों की भर्ती करेगा। इसके बाद से देश में राजनीति गर्म हो गई है। विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हो रहा है। इसी कड़ी में कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया और केंद्र सरकार पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों से जनता त्रस्त है। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, रुपए का अवमूल्यन चरम पर है। 10 लाख की भर्ती की घोषणा चुनावी छलावा है और वहीं SC ST OBC वर्गों के कई गुना सरकारी पद खाली पड़े हैं। मायावती ने कहा, ये एक समाज गरीबी बेरोजगारी से सर्वाधिक दुखी पीड़ित है। वहीं आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 2022 की घोषणा के साथ ही वोट जुटाने के कवायद शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष के मुख्यमंत्री और नेताओं की संयुक्त बैठक बुलाई है। वहीं आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इस बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी भी ममता बनर्जी की इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में कांग्रेस, TRS, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई दल और भी भाग लेंगे। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। वहीं खबर है कि दिल्ली में होने वाली इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष या बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं होगी। वहीं आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है बीजेपी पर, जिस तरह से लगातार मायावती हमला बोल रही हैं, वहीं कल भी मायावती ने हमला बोला है।